हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में इसमें हम जानेंगे फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है एंड पर्पज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज अ साइंस इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द प्रैक्टिकल कंट्रोल ऑफ फूड डिस्ट्रक्शन यानी कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है एक साइंस एक साइंस ऐसी साइंस इन्वॉल्व हो रही है या फिर फूड पर इस तरह की साइंस लगाना या साइंटिफिक या इंजीनियरिंग तरीके से कि फूड को डिस्ट्रक्शन होने से नष्ट होने से बचाया जा सके यानी कि उसको सेव करने के लिए नष्ट होने के लिए खराब होने से बचाने के लिए कुछ साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल उस पर लगाए जा रहे हैं ताकि फूड को सेव किया जा सके अब बात करते हैं हम पर्पज क्या है फूड प्रिजर्वेशन के फर्स्ट पॉइंट है इसमें टू हैव ऑल टाइप ऑफ फूड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ इज़ टू मेक नॉन सीजनल फूड ऑल्सो अवेलेबल तो इन्होंने बोला है कि पूरे साल में हर तरह के फूड जो है वो अवेलेबल होते हैं कुछ सीजनल होते हैं और कुछ नॉन सीजनल फूड होते हैं रेडीमेड कैन फूड सेव टाइम एंड एनर्जी और कुछ रेडीमेड फूड जो फूड जो है वो मिलते हैं कैन फूड हमें मिलते हैं जो कि हमारा टाइम और सेव करते हैं एनर्जी को सेव करते हैं एंड वेरायटी ऑफ फूड आर अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन और हर तरह के बहुत सारे वेराइटीज के फूड हमें मिलते हैं और जो जो कि हमारे कंजम्पशन को बचाते हैं टू प्रिजर्व वेस्टेज ऑफ फूड ड्यू टू द और डिस्ट्रक्शन तो इसमें हमारा पर्पस क्या है हम फूड को हमने वेस्ट होने से बचाना है और उसको स्पॉयल होने से और उसको नष्ट होने से हमें बचाना है टू प्रजर्व फूड फॉर द फ्यूचर यूज और फूड को सेव करके रखना है फ्यूचर के लिए ये क्या है हमारे पर्पसेज हैं टू मेक कॉमर्शियल प्रॉफिट और हमें क्या है उससे कॉमर्शियल प्रॉफिट भी होना चाहिए और सरप्लस और एक्सपोर्ट द सरप्लस फूड और ताकि हम फूड को क्या है एक्सपोर्ट कर सकें सरप्लस फूड को टू प्रजर्व द टेस्ट ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ फूड यानी कि जो फ्रूट हैं यह फूड है उसका क्या है टेस्ट को बचाना है उसकी खुशबू और फ्लेवर को इस तरह से हमने उसको सेव करना है ताकि उसका टेस्ट भी बना रहे उसका जो खुशबू है वो भी बनी रहे और उसका टेस्ट भी फ्लेवर भी उसका बना रहे तो राइट साइड में आपको एक डायग्राम बॉक्स में बना हुआ दिख रहा होगा चार्ट बना हुआ है फ्लो चार्ट है मेथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के इसमें है केमिकल बायोलॉजिकल एंड फिजिकल मेथड तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल मेथड की मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन फर्स्ट है इसमें केमिकल प्रिजर्वेशन इन दिस मेथड सर्टेन केमिकल आर एडिड टू द फूड प्रोडक्ट विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोगनिज्म यानी कि इस मेथड में क्या किया जाता है कुछ केमिकल्स होते हैं उनको फूड में ऐड कर दिया जाता है और अगर उसमें यानी कि जब उस फूड में केमिकल ऐड कर दिए जाते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाता है फूड द केमिकल प्रिजवेटिव इंक्लूड द बेंजोइक एसिड सिट्रिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम बेंजोइट एंड नाइट्रेट्स यानी कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो फूड के लिए ऐड, यानी कि फूड के अंदर ऐड किए जाते हैं या फूड पर यूज किए जाते हैं तो इसमें बेंजोइक एसिड है सिट्रिक एसिड है अब्जॉर्बिक द अमाउंट ऑफ द केमिकल्स एज स्टैंडर्डाइज बाय द पी एफ एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फोर एंड फूड स्टैंडर्ड यानि कि जो अमाउंट है कि कितना अमाउंट फूड को बचाने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए केमिकल का अमाउंट कितना होना चाहिए फूड पर यूज़ करने के लिए तो ये निर्धारित किया गया है पी एक्ट के दौरान यानी कि उन्नीस चौवन में एक एक्ट लगाया गया जिसमें यह बताया गया है कि कितना केमिकल यूज़ किया जाना चाहिए फूड के अंदर दिस केमिकल एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ द फूड और ये केमिकल क्या है फूड की लाइफ को बचाते हैं यानी कि फूड जो है लंबे टाइम तक चलता है टि लाइक एंटी ऑक्सीडेंट्स फॉर एग्जाम्पल एस्कॉर्बिक एसिड एंड ब्यूट हाइड्रोक्सिनोसोल आर यूज इन द फैट ऑयल टू प्रिवेंट देंसिडिटी यानी कि कुछ एक ऐसे ऑक्सीडेंट्स हैं एंटी ऑक्सीडेंट हैं जो कि यूज किए जाते हैं ऑल और फैट के लिए स्मोकिंग प्रोसेस इज मीट कंटेन फॉर्मल डी एंड फिनॉल्स एज प्रिजर्वेशन यानी कि स्मोकिंग मेथड यूज़ किया जाता है मीट के लिए एंड फॉर्मल हाइड यूज़ किया जाता है फिनॉल्स एंड और भी कई तरह के प्रिजर्वेशन मेथड किए जाते हैं सम फूड आर पिक्ड और फरमेंटेड फॉर द लॉन्ग टर्म यूज़ यानी कि कुछ एक फूड ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी लंबे समय के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है जैसे कि जैम जेम्स मुब्बा ड्राइड वेजिटेबल असॉल्टिड फिश स्क्वैश एंड फ्रूट जूस आर द एग्जांपल ऑफ द केमिकल प्रिजर्वेशन तो इन सब फूड को क्या है लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए उसमें केमिकल डाल करके प्रिजर्व करके रखा जाता है उसके बाद आता है इसमें बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन इन दिस मेथड द इन्जाइम एक्शन इन्वॉल्व द एल्कोहल और एसिडिक फॉर्मेशन uh, यानी कि इस मेथड में क्या है इंजाइम और अल्कोहलिक और एसिड्स uh, जो है यूज किए जाते हैं यानी कि ये क्या है बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन है जिससे फूड को प्रिजर्व करके रखा जाता है इन दिस टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू इंक्रीज दाल्टिबिलिटी न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड सेल्फ लाइफ ऑफ द फूड इस मेथड में क्या किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है फूड में पोषक तत्व के लिए न्यूट्रिटिव वैल्यू बनाने के लिए और फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए यानी कि कुछ एक मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं द फूड प्रोसेस्ड बाय दिस मेथड आर ब्रेड वाइन टी कॉफी अल्कोहलिक ड्रिंक्स उसके बाद आता है इसमें फिजिकल प्रिजर्वेशन दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एट द हाउसहोल्ड लेवल तो ये क्या है एक ट्रेडिशनल मेथड है तो फिजिकल मेथड में क्या है जो खुद पर्सन uh, जो है फिजिकली यानी कि अपना खुद का मेहनत या फिर खुद ऐसे सलूशन बनाता है जिससे वो फूड को सेव कर सके दिस इज द सिंपल एंड इकोनॉमिकल मेथड इट इन्वाल्व इन द बेसिक स्किल तो ये क्या बहुत ही सिंपल और इकोनॉमिक मेथड होता है तो इसमें क्या आता है इंक्रीजिंग द एनर्जी लेवल एंड टेम्परली बाय द हीटिंग एंड इरिडिएशन तो ये क्या है इन जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाता है और ये टेम्परेरी मेथड होता है और कंट्रोलिंग द रिडक्शन ऑफ द वाटर कंटेंट बाय द एयर ड्राइंग एंड फ्रीजिंग ड्राइंग तो इसमें क्या होगा एयर ड्राई किया जाता है यानी कि आ, सुखा करके या फ्रीजिंग करके यूज ऑफ़ द प्रोटेक्टिव पैकेजेस और पैक पैक करके रखा जाता है यानी कि सेव करने के लिए उसको फूड को पैक करके रख दिया जाता है यूजिंग हीट फॉर प्रिजर्वेशन इंक्लूड द और हीट यूज़ किए जाते हैं जैसे कुकिंग या फिर ब्लीचिंग यानी कि फूड को क्या है एक निश्चित टेम्परेचर पर उसको कुक किया जाता है जिससे क्या है वो प्रिजर्व होकर के रखा जा सके और क्या क्या है में इसमें इस आ जाता है पश्चुराइजेशन स्टरलाइजेशन एंड इडेशन एंड डिहाइड्रेशन इसके बाद आ जाता है हाउस होल्ड मैथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हाउस होल्ड मैथड में यानी कि जो हम आम आमतौर पर घरों में यूज करते हैं फूड को सेव करने के लिए जैसे कि कुकिंग कुकिंग इज डन बाय द दरिस्ट मैथड लाइक द बॉइलिंग फ्राइंग स्टीविंग एंड शिमरिंग रोस्टिंग एंड बेकिंग तो हाउस होल्ड मेथड में क्या आ जाता है फूड को हम बॉइल करके रख देते हैं या फिर उसको स्टीम में पकाते हैं या फिर उसको रोस्ट कर देते हैं या फिर उसको हम पूरी तरह से अच्छे से पकाकर उसको रख लेते हैं द कुकड फूड कैन बी स्टोर फॉर प्रोलॉन्ग टाइम देन अनकूकड वन यानी कि जो कुक यानी कि जो हम पका चुके होते हैं फूड को वो क्या है लंबे टाइम तक फूड चलता है कुकिंग एट द डिफरेंट टेम्परेचर किल द माइक्रोब्स एंड डिस्ट्रॉय द टॉक्सिन इन द फूड यानी कि uh, फूड को एक निश्चित अमाउंट सॉरी टेम्परेचर पर पकाया जाता है जिससे क्या है उसमें जो माइक्रोर्ग्निज्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं जो भी टॉक्सिन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फूड जो है वो लंबे समय तक चलता है उसके बाद आता है इसमें सन ड्राइंग सन ड्राइंग इज़ यूज टू ड्राई मैनी फूड फॉर द लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन तो सन यानी कि सूरज की रोशनी में फूड को रख दिया जाता है इससे क्या होता है वो लंबे टाइम तक चलता है फॉर एग्जाम्पल पोटैटो चिप्स मैक्रोनी एंड सेविया वेजिटेबल्स सच पिंच मेथी कॉलीफ्लोर कैरेट करी पत्ता तेज पत्ता जिंजर तो इनको क्या है सनलाइट में रखा जाता है दिस मेथड इज़ अ सिंपल एंड इकोनॉमिकल वेयर देयर इज एन एन सनलाइट एज बाय द ड्राइंग इन द सन मॉइस्ट इन द रिमूव एंड माइक्रोजम कैन नॉट ग्रो तो इन सब फूड्स में क्या होता है कि इसमें जो मॉइस्ट होती है जो नमी होती है वो सनलाइट से वो ख़त्म हो जाती है और जो भी माइक्रो ऑर्गनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो नमी में पनपते हैं वो भी किल हो जाते हैं और जो फूड है वो लंबे टाइम तक चलता है उसके बाद आता है इसमें रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर वन टू फोर डिग्री प्रिवेंट फूड फ्रॉम द स्पॉइलिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम यानी कि फ्रिजिंग में क्या है एक टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है एक से चार डिग्री सेल्सियस के अंदर और जो फूड होता है स्पॉयल होने से बचाया जाता है फ्रूट वेजिटेबल्स एंड कुकड फूड आर प्रिजर्व इन द रेफ्रिजरेटर फॉर द फ्यू डेज यानी कि रेफ्रिजरेटर में क्या है कुछ दिनों के लिए फूड को सेव करके रखा जा सकता है यानी कि कुछ एक फूड ऐसे होते हैं जिनको कुकिंग के बाद कुछ ज़्यादा लंबे टाइम तक आ, सेव करके नहीं रखा जा सकता है तो उनको फ्रीजर में रखा जाता है और फिर उसको एक टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है और वहाँ पर उसको कुछ दिनों के लिए सेव करके रखा जाता है द फ्रोजन फूड कैप्टिया एटीन माइनस एटीन डिग्री आर प्रिजर्व फॉर अ ईयर यानी कि अगर फ्रीजर में उसको माइनस एटीन डिग्री के टेम्परेचर पर रखा जाए तो वो पूरे एक साल तक भी उसको सेव करके रखा जा सकता है इसके बाद आता है सॉल्टिंग एंड पिकलिंग सॉल्ट इज अ गुड प्रिजर्वेटिव सॉल्ट क्या है नमक यानी कि नमक लगाकर फूड को सेव कैसे रखा जा सकता है एंड बाय एडिंग सर्टिन कॉन्डेमनेट एंड द स्पाइस अलॉन्ग विद द लॉट ऑफ सॉल्ट यानी कि कुछ और भी मसाले हैं जो यूज करके साथ में सॉल्ट यूज करके उस फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है सर्टन फूड आर प्रिजर्विड फॉर एग्जाम्पल मैंगो पिकल लाइम एंड वेजिटेबल पिकल चटनी एंड फिश कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज माइक्रोमिज्म कैन नाट ग्रो इन द हाई कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्ट जैसे कि हम जो आम का अचार होता है लेमन का अचार होता है वेजिटेबल पिकल्स होते हैं यानी कि ये सारे क्या हैं चटनी हुई फिश हुई तो इनको हम नमक लगाकर जो है काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हैं तो इससे क्या होता है नमक से क्या होता है माइक्रोमिज़म जो होते हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं सम सेम वे शुगर विद अ तो सर्टेन स्प्रेस आर यूज टू तो प्रिजर्व फूड और इसी तरह से शुगर का भी यूज़ किया जाता है कुछ मसालों के साथ जैसे कि मुरब्बा हुआ फ्रूट लाइक द एप्पल आंवला जैम्स तो ये तो इसमें क्या है शुगर का यूज़ किया जाता है और इसमें और भी फ्रूट जो है मिक्स होते हैं और कई सारे स्पाइसेस भी इसमें यूज़ किए जाते हैं एंड इसके बाद आता है बाय एडिंग केमिकल्स सर्टेन केमिकल लाइक द सिट्रिक एसिड बेंजिक एसिड एंड सोडियम बेंजोट आर यूज फॉर द पिकलिंग वेजिटेबल सच एज अ अफर रेडिश ग्रीन चिली एंड जिंजर यानी कि कुछ एक केमिकल हैं जैसे सिट्रिक एसिड एंड बॉन्जिक एंड सोडियम तो इनका यूज़ किया जाता है वेजिटेबल में यानी कि और स्पाइसेस भी ऐड किए जाते हैं वेजिटेबल का पिकल्स बनाने के लिए या वेजिटेबल कौन से होंगे इसमें कॉलीफ्लावर रेडिश ग्रीन चिली और जिंजर तो इसमें ये केमिकल डाला जाता है और स्पाइसेस डाले जाते हैं और ये वेजिटेबल मिक्स किया जाता है जिससे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और फूड जो है वो प्रिजर्व हो जाता है यानी कि लंबे टाइम तक सेव हो जाता है उसके बाद आता है हमारा कमर्शियल मेथड तो कमर्शियल मेथड एंड प्रिकॉशन ड्यूरिंग द फूड प्रिजर्वेशन हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा होगा अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की तो अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग